सबसे पहले तो मेरा प्रणाम आप सभी को। आजकल चल रहा है बैसी का महीना। चलिए बातें करते हैं इस बैसी के बारे में। आरंभिक कैसी प्रारंभ में माना जाता है कि कठोर जलवायु और पहाड़ी इलाकों में के कारण बजर के निजी भूमि पर, लेकिन विभिन्न उत्तराखंड में प्राचीन सहित अध्ययन के बाद यह स्थिति हो जाता है कि उत्तराखंड के इतिहास पोषण युग से जाता है और समय वर्तमान उत्तराखंड की में भी कथित तौर पर ऋषि मुनि के और साधु का निवास था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनि व्यास महाभारत की रचना उत्तराखंड की में की थी, क्योंकि कहा जाता है कि पांडव अपनी यात्रा के दौरान क्षेत्र होकर गुजर रहे थे। दूसरी शताब्दी में ईश्वर पूर्व कर्ण इत्यादि फल फूल शैव धर्म एवं प्रभावित रूप से पालन किया जाता था। पश्चिमी तिब्बत के साथ व्यापार विशेष के नाम से चलन गलन रहा था। अब कहते हैं, बात करते हैं जब उत्तराखंड की एक ऐसी चीज़ें को आप समझ लेते हैं। उत्तराखंड का पूर्व उत्तरांचल इतिहास पूर्व के इतिहास की स्थिति है जो राज्य के जिसका निर्माण नवंबर 2000 की गई थी। वर्ष आंदोलन के पश्चात भारत के गढ़ सतह राज्य रूप से किया जाता है। सन 2003-06 उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम उत्तराखंड के बारे में जानते रहे, उसकी बोली भाषा तथा लेकिन जो राज्य के प्रमुख हिंदी है और राज्य के अधिकतर काम काजों भाषा होने के साथ साथ अंतर समूह संवाददाता और भाषाओं के राज्य में दूसरी प्रमुख राज्यों का प्रकट करते हैं। इसी तरह देवताओं का वास करते हैं, जब देवता साक्षात उस जगह रहते हैं। आइए और भी बात आपसे करते हैं और दिखाते हैं। अब शहीद शिव प्रसाद डवर जैसे कुमाऊं ने इतिहास के नामक की पुस्तक लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास वर्ण में उत्पन्न करते हैं और आज मानवता के हृदय में जानने वाला हर इंसान उस चीज़ को जानना चाहता है और उसके इतिहास को पहचानना चाहता है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की हर कहानी हर जिले की एक कहानी है और उत्तराखंड के क्षेत्र में दृष्टि और सबसे बड़ा जिला बताया करते हैं चमोली जिला है, जो जिले में 7613 वर्ग किलोमीटर के फैला हुआ है। और वही सबसे छोटा जिला है, बात करते हैं चंपावत है, जो 1781 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और उत्तराखंड की आने जाने वाली जितनी बातें हैं आपको हम समझाते हैं। जैसे तरह से आज देवताओं को निवास कर रहे हैं, उत्तराखंड को भारत की देवभूमि का नाम से भी जाना जाता है और भारत में पहाड़ी राज्य पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था हुआ करता था। हालांकि बाद में अलग राज्य बनाया और आज ही अपनी प्रकृति सुंदरता और पवित्रता आंचल की वजह से विभिन्न में जाना जाता है। आप उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के बारे में सुने पढ़ें, और हालांकि ये की जाती है क्योंकि यह उत्तराखंड के सावधानिक जनक वाला जिला कौन सा है, यदि आपको जानना चाहते हैं तो इसके लिए मध्य लेखक के कारण बताते हैं। भारत में उत्तराखंड के राज्य की किसी प्राचीत महताज नहीं है, क्योंकि राज्य की तरफ से उत्तर भारत प्रमुख नदियों के उदार स्थल के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ इनके आंचलों की सिस्टम पहाड़ी वादियों और उनके लाखों सैलानियों के में अपनी तरफ से आकर्षित करते हैं और राज्य के प्रकृति सुंदरता और हरियाली और शेष भारत के राज्य के अलग अलग बनती हुई साथ में संस्कृति की और शैली भारत के राज्य की सूचित इस विशेष स्थान पर देवता को वास किया जाता है। अपने राज्य के अलग अलग जिलों के बारे में पढ़ा सुना इतिहास को रखने के लिए जाता है। उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी जिले सा कौन सा अपना जाना माना लेखक होता है। सबसे पहले तो जाना जानने के लिए उत्तराखंड के कुल कितने जिले हैं आपको बताने देते हैं कि उत्तराखंड के 13 जिले हैं, जिनके जिले 110 तहसील हैं, 41 नगर हैं और 41 नगर की पालिका प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 13 जिले पंचायत 7000 अधिकारी पंचायत के मौजूद हैं और राज्य के सौभाग्य के विजेता और जिसमें से गढ़वाल और दूसरी कुमाऊं की ओर उत्तराखंड के क्षेत्र की दृष्टि और सबसे बड़ा जिला बताया जाता है। चमोली जिला जो 7613 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और सबसे छोटा बात आ जाता है चंपावत है। अब सवाल है कि उत्तराखंड के सावधानी जनसभा वाले जिले कौन से हैं, जो आपको बताया जाता है। धार्मिक रूप से नागरिक मसूर से 2011 में हकी जनसंख्या 18,90,04,022 दर्ज की गई है। और अब सवाल है हरिद्वार के क्षेत्र में कितना है, आपके बताया जाता है कि हरिद्वार के क्षेत्र में 2600 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। गंगा के मैदान पर उतरा है ये जिला। यह बताते हैं कि सभी उज्जैन वाले और नदी के उदार उल्लेख और पश्चिमी हिमाचल की होती है। यदि आप निकल जाते हैं तो बाद में नदी घाटियों के बढ़ते हुए अपने रास्तों पर बनी और अपना सफ़र हिमालय की तलहटी पर अपने तय करने वाले हरिद्वार के पहुँचे। और यदि आप जिन जहाँ पर पहले ही पहुँचते या जिले के जहाँ पहले मैदानी इलाके में प्रवाहित इस देवताओं का वास करते थे, इसी तरह महिलाओं के आसक्त रहते हैं,
और इसी तरह से मनुष्य तन में जो भी लोग देवता का वास करते हैं, देवता का स्मरण करते हैं, नाम करते हैं, उच्चारण करते हैं और अपने इसी में झूमे रहते हैं, उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में जाता है, छोटा सा गांव होता है जो ज्येष्ठ कोटला है। और अभी इस लोगों को एक बारे में होगा, अगर आप ज्येष्ठ कोटा को सप्ताह ही देखते हैं तो ढूंढते हैं, लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है, फूल के तितलियाँ और पकड़े जाते हैं, सीखने अद्भुत गतिविधियों को शामिल किया जाता है, शैल जैसे कि मेला हो या किसी तरह का कार्य हो, अगर चीज़ मिल जाना है। समुद्र तट से 1219 मीटर की ऊंचाई पर इस गांव का सैलानी पूरी तरह सलाह करते हैं। अक्सरतर नैनीताल, नरकचेताल, भीमताल, कब्रों की छुट्टियों में लोग ज्येष्ठ कोट में रहते हैं और इससे मगर जब सर्दियां जगह पर तुलना ज्येष्ठ तापमान जाता है तो सर्दियों की आर्थिक भिन्न भिन्न धूप हमेशा रहती है, इसलिए वह छुट्टियां मनाने के लिए आता है। साल भर में एक बार जैल कोटियों में जाना चाहिए। और बिस्ट कोटल के कथित इतिहास में सबसे पहले यह अंग्रेज हुकूमत की घर में जिन्हें नैनीताल और कट्ठेखंड चाहिए, जिसके कारण ठहरने के लिए सर्वप्रसिद्ध पहाड़ों में आज तरीके के स्थल में होटल के हो चुके हैं, पर्यटक रुकते हैं। और 1960 में जब डब्ल्यू के माफी द्वारा लिखा गया किताब गाइडन टू नैनीताल एंड कुमाऊं में पहली बार जेटले कोट का एक जिक्र हुआ था, जो सामरिक सावधान के कारण उनको कुछ किताबों में से भी अकाट गोदाम में नैनीताल के सफर में माना जाता है। इसी प्रकार से सभी लोग उपस्थित होते हैं, हिमालय के पर्वत में पंच देवता यात्रा निकलती है, जगह पर विश्राम करते हुए मनोरंजन हेतु कीड़ा करने से और वो चारों गोले बनाए और चारों गोलों को दिशा को फेंक दिए। उन गोलों में चार मोल विश्व आधार विश्व कार्य विश्व शैली व्यक्ति का नाम जन्म हुआ। उससे उन्हें पंच देवताओं से अपनी उपत्ति का कारण पूछा। पंच देवताओं ने कहा, हम तो मनोरंजन कर रहे थे, उसी तरह उपत्ति हुई है। मौला ने कहा, हम कोई कार्य सौंप दीजिए। और पंचदेव ने कहा कि जाओ दुनिया का भ्रषण करो और अपने जैसे बलशाली मौलों को युद्ध करें, और यदि आप ताकत हुए भ्रषण करेंगे। चारों मौलों ने अपनी निजी मौल और नैति चुनौती की दी और उन्हें परमपिता कर दिया और सारे जगत में अपनी ताकत की प्रश्न विश्वास दिलाया। पंचदेव के लिए लौटे और वह अपने विगत सारे अनुसार उन बातों का उन्हें कहा कि अब चारों ओर थक चुके हैं, कहीं ना उनको पर्यटक भोजन नहीं मिला और ना ही कोई पंचदेव उनके भोजन की व्यक्त कर रहा था। पंचदेवता के परेशान हो गए, इन मौलों के भोजन से प्रतीत कैसे उजाएं। उन मौलों ने कहा, हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं, कभी भीख मांगकर की जाती है और मिल जाता है तो अभी दिन भर में काट पड़ता है। ऐसे के पंच पावत में पास में कलीचंद्र का समाज और उस तुम्हें जिस मॉल की जिसमें खाने पीने की वजह से उचित व्यवस्था करते हैं और मॉल की आवश्यकताओं से हम उन द्वारा न चले जाएं। कालीचंद दरबार 22 देसी भाई के रहने वाले वैशाली के नाम थे। उनके एक पति थी और उनका नाम था दूध केला था। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पूरे राज्य में उनका प्रेम काफ़ी मशहूर था। राज्य कालीचंद्र की रानी थी, उनका प्रेम रस नहीं था, अतः यह कहा जाता है कि रानी दृष्टि बर्फी भाई पर है। वह चाहती थी कि सारी बफू भाई के मारकर स्वयं वह राज बन जाए और उनकी रानी बन के रहे, परंतु बर्फी भाई ने कहा उनसे कहा माना दिया गया है रानी की भय से। वह बताते हैं राज्य के बातों से रानी ने एक चला चली उस राज्य कालीचंद्र से यह कहा कि बर्फी रानी मैं किर दृष्टि से जिस दरबार पर जाऊँ उसे असुर कर देती हूँ। राज्य कालीचंद ने रानी से कहा, प्रतीत ऐसा व्यवहार कैसा सहन करते हैं, और बर्फी के बद्ध दृढ़ का आदेश दिया, परंतु है इसी व्यक्ति के चारों मोल द्वारा राज रखने की विनती करते रहे। राजा ने आदेश दिया कि अगर आप चारों ओर 22 बर्फ भाई के सारे काट के लाएंगे तो उन्हें दरबार की रखेंगे। सभी जानते हैं कि बर्फी भाई गलत विचार वाले व्यक्ति नहीं थे, वह सिर्फ अपनी पत्नी के प्रेम करते थे और राजा से किसी भी नहीं सुनी और चारों ओर मोलों को आदेश दिया। चारों ओर मोलों का ये बर्फी युद्ध हुआ। बर्फी ने ये मौत की घटी में उतर के अपनी पत्नी से मृत्यु की दुखी दूध केला सुधी कहते हैं कि अन्य प्रकार से जे रहने वाले और गर्व आवाज़ से आई, माँ तुम अपने आप क्यों सुती हो करती हो, तुम्हारे साथ मेरा मृत्यु हो जाए ऐसा ही बर्फी वश खत्म हो जाएगा। यदि आप गर्भ में से पल रहते 7 महीने बच्चे को यह बात सुनाएं, उसे सुनते सुनते अपने विचार बदल दिया और जीने की उम्मीद भी उसने बच्चे ने नज़र आई। दूध केला ने बताया कि जन्म में दिया गया उसी
अनुज बर्फी नाम का एक धीरे धीरे बर्फ बताते हुए, अजू बर्फ बड़ा है। लोग अतिरिक्त आगत के विचारों से चर्चा होने लगी। चारों ओर मौलवी के खन पुन से गांव की परेशानी हो गई। हर देश से ज़्यादा खून खाना दूध दही चारों ओर मोल माल और थल लिया जाता है। अनेक कुछ नहीं प्राप्त होता। अजू बर्फी के बहस करने वाला पहुँचा। यदि माँ के चारों ओर मोला और के बारे में वह दूध के बर्बाद ने बताया कि है चारों ओर तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है, बताया अजू बर्फ सुनकर वह खेल गया। चारों मोला ने युद्ध के लिए तलवार देकर बीच में भयंकर युद्ध चला। बारी बारी में अजू बर्फ के चारों मोला के बाद बर्फी के मुख शांत हुआ। इस तरह से गाँव में आज भी चैन सांस से अजू बर्फी के राज्य में उनकी रानी की गलती आरोपी खंडन किया जाता है। और कई चर्च में बर्फ के इसी तरह से लोग सदा भक्ति के साथ अनोखी रीत करते हैं। और आज जिस तरह से 11 बैसी को मनाया जा रहा है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार का नाम सुजैन सिंह था। सुजैन सिंह के गांव में बहुत ही ताजबर सिंह का नाम एक जजबर रहता था। सजन सिंह ने कहा ताजबर सिंह गहरा दोस्त था। ताजबर सिंह ने एक लड़के से कहा और नाम संदीप सुनकर वह सुदीप के जन्म हुआ। सुजीत ने दीप ने कहा हे सदीव आप ये कर यह मनुष्य तात्पर्य से कहते हैं। मित्रों के आदि यदि कन्या का जन्म हुआ तो हमारे पुत्र के लिए है अपनी कन्या कुछ समय के लिए सुजान सिंह के घर पहुँच जन्म देना। पुत्री का नाम कबूतरी रखा। देखते देखते ही दोनों विवाह योग हो गए। उसकी शादी किसी तीर्थ की और सुजान सिंह की तदवार सही से सत्य लगने लगा। बड़े शौक के साथ वह दूसरे शर्म लगा। यह सत्य हजारों की दूसरी जर्मन से उसे देते हुए सदीव कुतुब कबूतरी की शादी कर दी। बारे में सुजान सिंह के ताजवर सिंह से पूछा आपने कितनी बराती लेकर आ रहे हो, पर 100 ताजवर ने सही बोला ठीक से ठीक मेहमान को व्यवस्था करें। लोगों की इतनी समारी सत्य सभी मेहमान मांस खाने वाले हैं, चाहे आप बारात में आए मेहनत चाहे कुछ करें। सुजान सिंह कहते हैं ताजवर सिंह की सत है कि बारे में पता चला कि कई बार ताजवर सिंह ने की शर्त कॉलेजन भी चुका है और समझ में गया कि ताजवर किस शर्त की युवा मेहमान गोल थाने ना दिए। इसमें गांव का एक बुजुर्ग को कड़े बगल में सामान रखने की वस्तु में अंदर छिपा कर रख बारात के साथ ले गया और कर्ण के द्वार ढक्कन गया और उसमें बुजुर्ग आदमी को देखने और सांस लेने के लिए छोटा सा छेद बना दिया। ताजवर सिंह ने शर्त रखी थी कई बुजुर्ग मेहमान बारात में ना आए, इसलिए सुजन सिंह ने कहा ऐसा बुजुर्ग बारात में भेजा जो लड़की वाले ताजवर सिंह की ओर से भी बुलाया गया। बड़ा सुजान सिंह ने घर में तेजवर सिंह से कहा कि खूब स्वागत किया मेहमान से। बहुत है बोला देखो भाई हमने पहले ही कहा था कि बराती मांस खाने वाले होने चाहिए, इसलिए हमने 100 मेहमानों के लिए 100 बकरों का इंतजाम किया है और हमारी शर्त यह है कि हर बकरा काटेंगे और मांस बचना भी नहीं चाहिए। बराती में आई युवा मेहमान से सुजन सिंह का शर्त को सुनकर सिर घूम गया। उन्होंने सोचा कि 100 बकरी यानी एक मेहमान को एक बकरा खाना पड़ेगा, यह कैसा हो सकता है। अतः मैं उन्हें कीड़े के छप्पक छप्पक कर बुजुर्ग मेहमान से सावधान पूछा। वह बोला लकड़ी वाले से कहा 100 बकरे को एक पंक्ति में बांध लो और उस पहले एक बकरी को काटो उसे मांस को पकाओ और मेहमानों को खिलाओ, मेहमान हिस्से थोड़ा थोड़ा मांस आएगा, इससे बकरी बार बारी से एक एक बकरा कट जाएगा और मांस सारा पक जाएगा। युवा मेहमान ताजा सही से कहा हे बता दी कि समझ गया बारातियों की कोई भी बुजुर्ग अवस्था आया है, इससे सलाह कोई बुजुर्ग अनुभवी आदमी हो ही है सकता है। और खान बनी की तरह कर्ण के अंदर हुआ छुपा बुजुर्ग ने उसने बुजुर्ग को कर्ण से बाहर निकाला और बुजुर्ग को देखकर ताजवर सिंह मेहमान से बोला भाई तुमने शर्त में धोखा दिया है, हमने कहा था कि बराती में कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, यह देख के बुजुर्ग मैं बराती नहीं हूँ, मैं तो घरेती हूँ लड़की वाले की तरफ से हूँ, इसलिए शर्त का पालन हुआ है। वह बुजुर्ग बोला लेकिन तुम किड़ के अंदर क्यों छुपे थे। ताजवर सिंह ने कहा सवाल की सुनकर यह बुजुर्ग बोला जैसे तुम शर्त पर सत लगाने का शौक है वैसे ही मुझे कीड़ के अंदर छुपने का बरात के आने का शौक है। बुजुर्ग की बात सुनकर ताजवर सिंह ने सभी बरातियों को हंस कर करा।
तो इसी प्रकार से मनुष्य तन में हम जो कार्य करते हैं अपने देवों के स्थान पर, जैसे जागरी होती है, सभी लोग इसको मनाते हैं। किसी तरह से मेले में जाकर, यहाँ मेला अनेक प्रकार का मेला होता है जहाँ प्रभु के स्थान पर जगह जगह से लोग आते हैं। जगह जगह के लोग यहाँ पर आकर अपने प्रभु के दर्शनों के दर्शन लेते हैं। शिवालय हो या हो कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर पहुँच कर प्रभु के सेवा करते हैं। और आज सबसे बड़ी भक्ति भाव और यहाँ देवताओं का स्थान प्रस्थान है। यहाँ सभी लोग पहुँचे हुए हैं भारी संख्या में, और गाना बजाना नृत्य करना यहाँ पर समझ आ रहा है। लोगों ने अपने गाना गाकर यहाँ जताया कि किस प्रकार से हम अपने देवताओं को वो करते हैं। जैसे जैसे ये दिन करते रहे और वैसे वैसे मनुष्य को लगा कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। इन देवताओं को वास करने से हमारे घर की सुख शांति समृद्धि होती है। लोगों को नाचते उत्साह बनाते हुए देखा हमने, और जिस तरह से लोग उत्साह मना रहे थे वो एक खुशी का माहौल बना रहा था। क्योंकि ये 11 वैसी जो होते बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें देवता का वास होता है, देवताओं की पूजा होती है और देवताओं की धुनी जलाई जाती है। और सभी लोग यहाँ पर आकर आज गंगा स्नान करते हैं, जिस प्रकार से बहती नदी में सभी लोग आकर स्नान करते हैं। तो आप सभी ने मेरी कहानी सुनी होगी, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार।